सकते, क्योंकि पारमार्थिक सत्य का जो लक्षण है, उसका जो स्वरूप दिखाया गया, वह स्वरूप आप इस विश्व में किसी भी वस्तु में नहीं पा सकते। तो इसीलिए विश्व को पारमार्थिक सत्य ऐसा मान ही नहीं सकते। तो जो भी सत्य आपकी दृष्टि में है, वह है हमारी भाषा में व्यावहारिक सत्य, और व्यावहारिक सत्ता उसको कहेंगे। तो इस तरह उन जिज्ञासु वर्गों में पारमार्थिक सत्य को बोधित कराने के लिए जो क्षमता है, उनका ग्रहण उनकी ग्रहण शक्ति जो है, उसके अनुसार व्यावहारिक सत्ता को मान करके हम चलते हैं। लेकिन जो अत्यंत उत्तम अधिकारी हैं, जो विश्व में पारमार्थिकत्व हट जाने पर उसके व्यावहारिक सत्ता में उतना दृढ़ विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसे जो उत्तम वेदांताधिकारी हैं, उनके लिए दो सत्ताओं की कल्पना पर्याप्त है, तीन सत्ताओं की कल्पना आवश्यक नहीं है। तो पारमार्थिक सत्य एक है, दूसरा जो भी सत्य है उसका कुछ भी नाम कीजिए, प्रातिभाषिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, कुछ भी कहिए। तो यह है उत्तम अधिकारियों की स्थिति। लेकिन उत्तम अधिकारी हो या मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी, कोई भी हो, उपनिषद का विषय तो पारमार्थिक सत्य का बोधन कराना यही है। तो इसमें कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं होता है। तो किसी अधिकारी को कुछ बोधित किया, दूसरे अधिकारी को दूसरा ही कुछ बोधित किया, यह बात नहीं है। तो किसी भी तरह उसको हम पारमार्थिक में लाएंगे, यही उपनिषद का लक्ष्य है। तो इस दृष्टि से हम जब विचार करते हैं, तो दृष्टि सृष्टि का स्वरूप यह है, जब हम विश्व को देखते हैं, देखते समय वह विश्व है ऐसा देखता है, तो उसकी सत्ता वहीं तक सीमित हो जाती है जब तक वह विश्व है हम विश्वास करते हैं, उसके पूर्व में अथवा पश्चात नहीं। जैसे प्रातिभासिक को हम ऐसा नहीं करते हैं, जब तक मेरा विश्वास था यह सामने सर्प है, तब तक वह सर्प था और आगे पीछे नहीं। जब वह रस्सी है या ज्ञात हुआ तो वह सर्प उड़ गया, वहाँ नहीं है। तो इसी तरह जब हम इस विश्व का अधिष्ठान, जिस वस्तु में कल्पना की गई है, उस अधिष्ठान तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यह पूरा विश्व, तो उसी समय वह प्रातिभासिक है, वह उड़ जाएगा, नहीं रहेगा। तो ऐसा जानने का सामर्थ्य जो है वह उत्तम अधिक जिनको है, उनको हम उत्तम अधिकारी कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी इसको परम वेदांत सिद्धांत मानते हैं। उत्तम वेदांत सिद्धांत यह है, और एक जीववाद भी इसी के साथ है, वो भी सब लोगों के समझ में आने लायक है नहीं, कुछ कुछ अधिकारियों के लिए वह कहा गया है। यद्यपि यह दृष्टि सृष्टिवाद सब अधिकारियों के सभी अधिकारी इस वाद को पचा नहीं सकते हैं, किंतु इस वाद को हम सर्वथा हेय ऐसा भी नहीं मान सकते, क्योंकि उपनिषद की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो यह भी एक दृष्टि सृष्टिवाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायक है। तो यह जो प्रक्रिया है, दृष्टि सृष्टिवाद प्रक्रिया, यह प्रक्रिया उपयुक्त ही है उस परमार्थ तत्व का ज्ञान होने के लिए, तो उपयुक्त है, इसीलिए उसको लेते हैं। सामान्य के लिए तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि और सृष्टि, ये दो शब्द मिले हैं, दृष्टि सृष्टि। तो दृष्टि और सृष्टि का क्या संबंध है यहाँ, यह देखना पड़ेगा। एक था सृष्ट दृष्टि, हम जिस वस्तु को देखते हैं वह वस्तु वहाँ उत्पन्न हुआ था पहले,
उसकी सृष्टि हो चुकी है, तो सृष्टि होने के बाद उसको हम देखते हैं, तो यह है सृष्ट दृष्टि। लेकिन दृष्टि सृष्टि में ऐसी बात नहीं है, हम जब देखते हैं उसी समय वह सृष्टि है, पूर्व अथवा पश्चात नहीं। तो इसका अर्थ हुआ सब प्रातिभासिक सत्ता वाले हैं, दृश्य वर्ग पूरा प्रातिभासिक सत्ता का है, कुछ वास्तविकता उसमें है नहीं। अच्छा, यदि आप ऐसा मानते हैं तो वेदांत में कोई भी वस्तु ब्रह्म को छोड़ करके अनादि ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि जब हम जानते हैं उसी समय में है तो उसके पूर्व अथवा पश्चात नहीं है, तो उस वस्तु को हम अनादि ऐसा कैसे कह सकते हैं। किंतु सिद्धांत है जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योगः षड् अस्माकम् अनादयः। छह पदार्थ अनादि है वेदांतियों के लिए। एक जीव अनादि है, जीव को अनादि मानने की अपेक्षा है क्योंकि उसका संसार अनादि है, वह अनादि नहीं होता तो उसका संसार भी अनादि नहीं बन सकता है, और बीच में ही वह खत्म हो जाएगा तो मोक्ष का भागी कौन होगा, तो इसलिए जीव को भी अनादि मानते हैं। ईश्वर तो अनादि है कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह उनका भार है पूरे विश्व की सृष्टि करना, और वह स्वयं सादि है तो उनकी सृष्टि के लिए दूसरे की अपेक्षा होगी, तो इसलिए वह भी अनादि है। विशुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य तो अनादि अनंत है। जीव और ईश्वर ये दोनों अनादि हैं, तो जीव और ईश्वर में जो भेद है वो भी अनादि काल से है, तथा जीवेशयोर्भिदा। और इस सब के लिए मूल कारण है एक अविद्या, उस वह अविद्या भी अनादि है, अविद्या का चैतन्य के साथ जो संबंध वो भी अनादि है, तो षड् अस्माकम् अनादयः। अनादि में दो प्रकार के अनादि हैं, स्वरूपानादि प्रवाहानादि ऐसा कहते हैं, स्वरूपानादि और प्रवाहानादि। इसको समझने के लिए हम एक दूसरा दृष्टांत देते हैं, बीज और अंकुर का दृष्टांत देते हैं। हम सामने जिस अंकुर को देखते हैं वह अंकुर किसी बीज से उत्पन्न हुआ होता है, ये तो मानते हैं, और वह बीज कहाँ से आया, तो एक वृक्ष से ही आना चाहिए बीज को, और वो वृक्ष भी तो अंकुर ही है, अंकुर ही बड़ा होकर के वृक्ष बन जाता है और फल फूल करके उसमें से बीज निकलता है। तो इस तरह देखेंगे तो बीज का मूल अंकुर है और अंकुर का मूल बीज है, तो पहले कौन सा आएगा, परस्पर अन्योन्याश्रय हो जाता है। तो इस अन्योन्याश्रय का परिहार करने के लिए हम ऐसा मानते हैं अभी जो अंकुर सामने है वह किसी बीज से उत्पन्न हुआ, और वह बीज भी दूसरे अंकुर से उत्पन्न हुआ, पूर्व अंकुर से, वो भी अंकुर उसी तरह उसके पूर्व में जो बीज था उसमें से उत्पन्न हुआ, इसी तरह परंपरा चलती है। इस परंपरा का कोई सीमा नहीं, यहाँ से प्रारंभ हुआ तो आरंभ सीमा नहीं है, तो इसके लिए इसको भी अनादि हम मानेंगे। लेकिन इस परंपरा में कोई एक बीज शाश्वत नहीं है, कोई एक अंकुर शाश्वत नहीं है, सब उत्पन्न होते हैं विनष्ट होते हैं, लेकिन परंपरा चलती रहती है। तो प्रथम बीज कौन सा था, प्रथम अंकुर कौन सा था, यह प्रश्न भी नहीं उत्तर भी नहीं। तो इस तरह जो अनादि है तो उसको हम प्रवाहतः अनादि ऐसा कहते हैं। ये जो षड् अस्माकम् अनादयः गिने गए हैं ये इस तरह के अनादि नहीं है, ये तो स्वरूपतः अनादि है।
ये दूसरे दूसरे व्यक्ति क्षणिक विज्ञान के समान बौद्धाभिमत क्षणिक विज्ञान भी अनादि है, लेकिन उस परंपरा में प्रत्येक विज्ञान क्षणिक है। क्षणिक का अर्थ एक क्षण में रहता है, दूसरे क्षण में वो नहीं रहता, दूसरा आ जाता है। तो इस तरह विज्ञान की परंपरा है धारा, इस तरह हम नहीं मानते हैं यहाँ। तो ये तो स्वरूप ही इनकी, इनके स्वरूप अनादि हैं, तो इसलिए षड अस्माक अनादेह जब मान रहे हैं तो दृष्टि सृष्टिवाद में इनकी क्या गति होगी। षड अस्माक अनादेह, तो जब हम देखते हैं उसी समय है, तो जब नहीं देखते तब नहीं है, तो ये षड अनादि कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम सर्वदा देखते ही रहते हैं, यह बात नहीं है। तो इसका उत्तर देते हैं, दो प्रकार के उत्तर इसमें आते हैं। एक उत्तर है, देखिए प्रातिभासिक व्यवहार में भी सादि अनादि ऐसी कल्पना होती है। जब आपको भ्रम हुआ रस्सी में सांप का, तो भ्रम काल में उस दृष्टा से आप पूछिए, आप जिस सांप को देख रहे हैं, क्या पहले से वहां पड़ा था वह सांप, क्या आपके देखते समय ही उधर आया था, क्या कहेगा? नहीं, पहले था, पहले से था, हम तो अभी जा करके देख रहे हैं, यही ना कहेगा। तो जब वह प्रातिभासिक सर्प को भी इसी तरह मानता है भ्रम काल में, यह नहीं मानता हम जब देख रहे हैं तो उसी समय में वह आ गया है, ऐसा वह नहीं मान रहा है, पहले से है, हमने तो अभी जाकर के देखा सांप है, ऐसा ही मानेगा। तो ये क्या है, कल्पना का यह एक प्रकार है। वो जिस सर्प की कल्पना किया है, वह उस सर्प की कल्पना इस प्रकार से किया है जो पहले से वहां स्थित है, हमारे देखने से पहले से वहां है, ऐसी कल्पना भी है उसके साथ, तो इसी तरह उसको ऐसा ही दिख रहा है। प्रातिभासिक रूप में तो कोई देखता नहीं है भ्रमकाल में, उसकी प्रातिभासिकता तो बाद में पता चलती है, जब वास्तविक स्थिति पता चलती है तभी जाकर के उसकी प्रातिभासिकता निश्चित होती है, अन्यथा तो वो पहले से है। तो इस तरह की कल्पना हम जब प्रातिभासिक में भी देख रहे हैं, तो इसी कल्पना को हम व्यावहारिक, आपकी दृष्टि में जो व्यावहारिक विश्व है, उस विश्व में भी इसी कल्पना का संचार करें तो क्या हानि है। इतना ही भेद है, हम षड अस्माकम अनादेह ऐसा जो कहते हैं, इन छह पदार्थों को हम अनादि के रूप में कल्पना किए हैं, तो इसीलिए यह षड अस्माकम अनादेह, और बाकी ऐसे नहीं है। अज्ञात सत्ता के रूप में तो हम कल्पना किए ही हैं, स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वो वस्तु तो वहां रहते नहीं, जहां है ऐसा देखता है वहां होता ही नहीं, लेकिन वहां हम अपने मित्र को देखते हैं स्वप्न में, तो कैसा देखते हैं, अभी उत्पन्न हुआ है ऐसा तो नहीं, वह उत्पन्न हो करके 50 साल का है ऐसा देखते हैं, लेकिन 50 साल से तो हम नहीं सो रहे हैं, अभी एक आधे घंटे में सोते हैं, तो उसी समय में वह उत्पन्न हुआ और 50 साल का हो गया, ऐसा कैसे संभव है। तो कल्पना की यह शक्ति है, हम जब कल्पना करते हैं वो पहले से स्थित है, 50 साल का है, इस तरह की कल्पना की है। तो यह उत्तर अनादि छह वस्तु जो है उनमें भी हो सकता है, ऐसा कुछ लोग उत्तर देते हैं। और दूसरा भी यहाँ पर मत है, दृष्टि सृष्टिवाद, ये जो अनादि षट कहें इनको छोड़ करके अन्य वस्तुओं में भी, उन वस्तुओं में ही है दृष्टि सृष्टि, अनादि को छोड़ देना चाहिए, षड अस्माक अनादया जो है इस विषय में दृष्टि सृष्टि नहीं है। तो इसकी उपपत्ति क्या है, दृष्टि सृष्टि तो सब में होना चाहिए एक तरह से, ऐसा कहेंगे जिसकी सृष्टि आवश्यक होती है तो वही हम दृष्टि सृष्टि मानेंगे, जिसकी सृष्टि आवश्यक नहीं है तो उसमें हम क्यों दृष्टि सृष्टि लगाएं,
हम जिस प्रपंच को देखते हैं वो सब प्रपंच उत्पन्न हुआ है, तो हमारी दृष्टि से उसकी उत्पत्ति आवश्यक है, तो ऐसी उत्पत्ति को हम दृष्टि सृष्टि के रूप में देखेंगे, और जिसकी उत्पत्ति आवश्यक नहीं है तो उसको हम दृष्टि सृष्टि प्रक्रिया में नहीं लाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। तो दृष्टि सृष्टिवाद अनादि षट्क को छोड़ करके अन्य पदार्थों में होती लगाई जाती है यह प्रक्रिया, तो यह भी एक मत है। तो इस तरह देखेंगे तो बाकी सब में हम दृष्टि सृष्टिवाद को ले सकते हैं, उससे काम चला सकते हैं, उसमें अनादि षट्क में दृष्टि सृष्टि नहीं है। यहाँ एक प्रश्न, बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं लेकिन सबका एक समान उत्तर ही मिलता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, अत्र च संभावित सकल शंका पंक प्रक्षालनम् स्वप्न दृष्टांत सलिल धारये इव कर्तव्यम्। ऐसा तो जो भी शंका उत्पन्न होती है सबके लिए दृष्टांत मिल जाता है, उस दृष्टांत के आधार पर कह देते हैं। एक बात यह कहना है, ये जो दृष्टांत दिया जाता है ये दृष्टांत कोई प्रमाण होता नहीं। दृष्टांत को हम दो तरह से देते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित जो व्याप्ति का स्वरूप है, साध्य और साधन का संबंध है, उसका परिचय कराने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, तो वह होता है प्रमाण के रूप में उस दृष्टांत का उपयोग होता है। और कहीं कहीं वक्तव्य विषय को श्रोता के बुद्धि में बैठाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, वह दृष्टांत प्रमाणभूत दृष्टांत नहीं है, उसको हम प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं करते। तो अनुमान में जो दृष्टांत दिया जाता है वही प्रमाणभूत दृष्टांत उसको होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी विचलन आता है तो व्याप्ति खत्म हो जाएगी और अनुमान नष्ट हो जाएगा। पर्वत में अग्नि है, इसका अनुमान कराना है तो हम उसके लिए हेतु देते हैं क्योंकि उसमें से धूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इसीलिए वहाँ आग है। तो वह व्यक्ति पूछेगा, धुआं तो दिख रहा है लेकिन अग्नि नहीं, तो धुआं है तो अग्नि होना चाहिए, इस पे क्या प्रमाण? तो उसको बताना पड़ता है प्रमाण के रूप में, देखो यथा महारसम, तो वहाँ देखो सर्वत्र जहाँ धुआं है तो अग्नि भी है, अग्नि के बिना धूम तो होता ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ भी धूम है तो अतः अग्नि है। तो यहाँ जो दृष्टांत दिया गया यह दृष्टांत अनुमान प्रमाण जो है उसमें प्रमाण सिद्ध करने के लिए, तो यह दृष्टांत प्रमाण के रूप में आया है। अब इस दृष्टांत में थोड़ा भी विचलन हुआ, कहीं ऐसा हो जाता है बिना अग्नि के धूम रह जाता है, तो ऐसा एक स्थल कहीं कहीं मिल जाता है तो भी व्याप्ति का भंग हुआ और इस तरह अनुमान नष्ट हो जाए। सौ जगह है तो उसमें ठीक है, सौ जगहों पर हम इन साध्य और साधनों को एक साथ देखे हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ पर दोनों में से एक ही है, साध्य नहीं है लेकिन साधन है ऐसा दिख जाता है, तो समाप्त हो गया वह व्याप्ति, वहाँ व्याप्ति नहीं है, आपका अनुमान गलत हो जाएगा। उस व्याप्ति को ठीक करने के लिए तद भिन्नत्व इत्यादि उसमें लगाना पड़ेगा, उस स्थल को छोड़ करके अन्य तरह ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा दृष्टांत में। नाम वो जो दृष्टांत होता है अनुमान के लिए लगाने वाला दृष्टांत, उसको अपने आप में एक पूर्णता होनी चाहिए, वह अत्यंत पूर्ण हो अपने आप में, तभी वह अनुमान के लिए उपयोगी बनेगा। यह है प्रामाणिक दृष्टांत। लेकिन
किसी वस्तु को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, देखिए अनुमान प्रमाण से समझाने के लिए जो दृष्टांत आया वह तो व्याप्ति ग्राहक है, वह प्रमाण है। और शब्द प्रमाण से समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया जा रहा है वो कोई प्रामाणिक हो ये बात नहीं है। तो वहां पर उसको ऐसा जानता है, इसको दृष्टांत के रूप में देने से आसानी से समझ सकता है, ऐसा यदि वक्ता समझता है तो तभी वह दृष्टांत उसके लिए उपयुक्त हो जाएगा। उसमें अपने आप में पूर्णता हो यह कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपनिषद तो शब्द प्रमाण है, वह शब्द प्रमाण के रूप में ही अपने विषय वस्तु का प्रतिपादन करती है। तो उसमें जो भी दृष्टांत आ जाता है वह दृष्टांत केवल लोक प्रसिद्ध है, इसी अंश में उस दृष्टांत को लेना चाहिए। वो कोई अनुमान में जो दृष्टांत है व्याप्ति ग्राहक दृष्टांत नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी दृष्टांत में कुछ कमी रह जाती है, लेकिन दृष्टांतिक उसी तरह हो यह कोई आवश्यक नहीं। तो जो भी दृष्टांत दिया जाता है धर्म का दृष्टांत, उसमें हम कुछ प्रक्रिया रख सकते हैं, तो उस प्रक्रिया के अनुसार उसको बुद्धि में लगा करके बाद में उसको हटा करके पारमार्थिक तक ले जा सकते हैं। तो इसी अंश में उस दृष्टांत का उपयोग है, प्रायः प्रक्रियाओं का भी यही उपयोग है। जो भी प्रक्रियाएं हैं तो उनका, उन प्रक्रियाओं का लक्ष्य यही है कि उस वस्तु का बोधन करने के लिए स्वयं उपयुक्त हो। तो जिस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसको लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, वो सभी प्रक्रिया हमें मान्य है। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य कहते हैं, यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासेह प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी साच अनवस्थिता। तो जो भी प्रक्रिया विषय वस्तु को समझने के लिए उपयुक्त हो जाती है वो सभी प्रक्रिया हमें आदरणीय है, उस प्रक्रिया को हम साधु प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि वह उस विषय वस्तु का बोधन कराने में सफल रही। यही है, किसी एक व्यक्ति को भी वह बोधन कराने में सक्षम हो तो उस प्रक्रिया को हम मान्य करते हैं। और इस प्रक्रियाओं का कोई यह संख्या नियत नहीं है, अनवस्थिता जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं सब उस अधिकारी के बुद्धि शक्ति के आधार पर है। तो इस तरह देखेंगे यह जो